मेरा प्यार दी मेरा प्यार मेरा प्यार दी मेरा प्यार दी अलहद लाबीआलम वसलाम सैदिलम्बियामसलीम अम्माबाद फाउज बिल्लाजी बसमिल्ल रही नूरल मदनी चैनल के नाजीन प्यारे प्यारे बच्चों नन्नी मुन्नी बच्चों वेलकम टू द प्रोग्राम जी खुश कहते हैं आपको आपके प्रोग्राम में आपको आपके प्रोग्राम में जी हाँ हमारा भी है आपका भी है सबका भी है बच्चों का है बड़े छोटी छोटी बच्चियों का है बड़ों का है नाना का नानी का दादा का दादी का सबका है क्योंकि इसमें हम सीखते हैं दीन की प्यारी प्यारी बातें और दीन किसका है सबका है ना दीन किसका है और हमारा प्यारा दीन क्या है इस्लाम हमारा पीरा प्यारा दीन क्या है सबने जोर से बोलना है हमारा प्यारा दीन क्या है तो इसी इस्लाम जो प्यारा प्यारा दीन है उसकी प्यारी प्यारी बातें सिखाने के लिए ये प्यारा प्यारा प्रोग्राम आता है जिसका प्यारा प्यारा नाम है मेरा प्यारा दीन तो शुरू करेंगे इसको हम दुरुदय पाक की फजीलत से और वो सुनाएंगे हमारे निहाल भाई प्यारे बच्चों इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रजीन से रिवायत है बेशक दुआ जमीनों आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उससे कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी पाक सल अल्लाह तल वम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो सल्लु हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला तआला मुहम्मद अलैहि लोल्ला तो प्यारे प्यारे बच्चों अब आपने हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहना है कहीं जाना नहीं है और आपने हमारे सवाल का जवाब भी देना है आज क्या सवाल दें आज सवाल हम ये दे रहे हैं क्या सवाल दें इरफ़ान भाई मुश्किल दें आसान दें बहुत आसान दें बहुत मुश्किल दें आसान इरफान किसका नाम है आपका इनका हाँ तो इरफान भाई से पूछा था ना इरफान भाई क्या करें आसान आसान दे दें इरफान भाई का नाम बताएं ये पूछ ले नहीं अब इतना आसान भी नहीं दे सकते ना अच्छा भाई आज हमारे साथ एक नए भी माशाल्लाह आए हुए प्यारे से बच्चे अब्दुल आहद के बराबर में बैठे हुए हैं क्या नाम है भाई आपका अहमद अहमद भाई हैं माशाल्लाह कहाँ से आए हैं कहाँ से आए कोई एरिया का नाम है चले अब्बू का नाम क्या है बाबर बाबर दादा का नाम क्या है नहीं पता चले अपना नाम पता अबू का नाम पता ज़बरदस्त लेकिन कहाँ रहते हैं ये नहीं पता ये पता होना चाहिए ना भाई अभी जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है नए अंदाज़ से बच्चों की शाम उसके अंदर एक बड़ा अच्छा जो है इस तरह का सेगमेंट भी है सेफ़्टी के हवाले से जिसमें बच्चों को ये भी सिखाया जा रहा है कि भाई अपनी सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए पता होनी चाहिए कैसे अपनी सेफ़्टी करनी है तो उसमें एक ये चीज़ भी है कि हमें जो है वो घर का एड्रेस याद हो कोई फ़ोन नंबर आप फ़ोन नंबर पूछे तो और मुश्किल हो जाएगी नाम क्या बताया था आपने अहमद अहमद अब नए नए आए तो हमें भी टाइम लगेगा नाम याद करने में तो फ़ोन नंबर तो शायद और मुश्किल हो जाएगा ए, लेकिन ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए नहीं। क्योंकि अगर कहीं इधर उधर हो जाए खुदा ना खास्ता वैसे तो हो नहीं इधर उधर तो फिर अगर वापस कैसे पहुँचेंगे तो पूछेगा भाई कहाँ रहते हो पता नहीं नहीं नंबर पता नहीं तो फिर घर कैसे जाएंगे पता नहीं तो फिर ये हो जाएगा ना तो इसलिए हमें ये चीज़ें याद रखनी है ठीक है अहमद भाई चले अब आपने हमारे प्रोग्राम में अच्छे अंदाज से ऐसा शामिल रहना है और सवाल ये दे रहे हैं कि ये बताएं कि दुनिया का सबसे अफजल तरीन कब्रस्तान कौन सा है और इसी के साथ चलेंगे हम निहाल भाई अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक चारी चारी चारी। 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 मेरा प्यारा। हदीस सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसके अंदर हदीसे पाक हम याद करवाया करते हैं और जो यहां जल्दी याद करते हैं वो बनते हैं हमारे जहीन बच्चे और उनको मिलता है ये गिफ्ट और जो घर पर मौजूद है आपके लिए ऑप्शन ये होता है कि पाक जो हम आपको दिखाएंगे इसकी बनाइए आप तस्वीर और तस्वीर बनाने के बाद फिर लिखिए उसको खूबसूरत खूबसूरत सा ड्रॉ कीजिए उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए पता चले कि आपको क्या क्या आपकी सलाहियतें जो हदीसी पाक में बात बयान हुई है अगर उसी को आप तस्वीर में पोर्ट्रे कर दें तस्वीर में उसको बयान कर दें तो क्या ही बात है इरफान भाई तो फिर आप बेस्ट राइटर बन सकते हैं उसके अंदर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड हम उन तस्वीरों का बयान भी 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 करते हैं हैं तो तो अच्छी सी तस्वीर बना के के उस पाक 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 को लिखकर आपने हमें हमें सेंड करना है और आप भी अगर याद करने, तो हमें पाक सुना भी सकते हैं। जी आज तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन है, है।, है। जी अभी पाक को हमने याद करना है कौन याद करेगा जल्दी से चले देख लेते हैं आज अल्फाज भी ज्यादा हैं ठीक है जी अहमद भाई आज गिफ्ट ले जाए पहले दिन ही आए पहले दिन ही गिफ्ट आपके साथ जाए लेकिन क्या करना है जल्दी सुनानी है क्या याद हो गई तो याद करने है ना अब हाथ नीचे कर लें आइए हदीस पाक को याद करते हैं जी इन पहले थोड़ा थोड़ा याद करते हैं इन नामिन इन नामिन इन नामिन इन नामिन أيامكم. أفضل, أفضل أيامكم أفضل أيامكم أفضل أيامكم أفضل أيامكم إن من أفضل أيامكم إن من, من أفضل أيامكم إن من أفضل أيامكم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة إن من أفضل أيامكم हाँ पढ़ाया भी ज़्यादा दफ़ा नहीं है और अल्फाज भी ज़्यादा हैं अब देखते हैं कौन आज विनर होता है जी मुंह चलता भी जा रहा है और हाथ भी उठा हुआ है हमारे अब्दुल हादी भाई का के दोहराते भी जा रहे हैं चले जी सुनाए इन नाम अफदली माशा छोटे भाई भी मैदान में आ गए नहीं रहूंगा जी अफदली आती सुबह अल्लाह अहमद भाई कोशिश थोड़ी थोड़ी सी मैं साथ देता हूँ आपका मैं आपका पार्टनर हो जाता हूँ कोशिश चले भाई इरफान भाई आ गए फिर देखे छोटे से इरफान भाई जबरदस्त आयामीकु सही सही माशा सुनाने की कोशिश तो की है चले इसको एक दो दफ़ा हम दोहरा देते बल्कि हम नहीं दोहराते अगर इसको एक दो दफा जो हमारे है हमारे अब्दुल हादी भाई पढ़ाएं सब पढ़ेंगे आप पढ़ाए ठीक है पूरी एक साथ पूरी एक साथ जैसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाएं ठीक है जी हमारे अब्दुल हादी भाई पढ़ाएंगे आप लोगों ने पढ़नी है अहमद भाई अभी भी मौका याद कर लें चले भाई सुना इन न मिन इन न में, में।, में। अफदली अय्यामिकुम अत्तली अय्यामिकुम इन मिन

चले माशा कोशिश तो की है जी भाई अहमद भाई नहीं थोड़ा सा इनामिन नहीं चले कोई बात जी जी जबरदस्त सुना है माशा इिन सही है सही है

माशाला थोड़ी थोड़ी सी कोशिश की फर्स्ट टाइम में ज्यादा घबराहट होती है अल्लाह अकबर कहता है फरमाया आइए तर्जुमे की तरफ चलते हैं तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन है हाँ जुम्मे का, का दिन या जुमे का दिन जीम पर भी पेश है नीम पर भी पेश है तो जुमे ठीक है थोड़ा सा ये बोलने में हमें मुश्किल होती है प्रोनाउंस करने में लेकिन कोशिश करेंगे तो ठीक हो जाएगा हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने क्या बयान किया है कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन है, दिन है। चले हदीस को याद भी करते हैं और इस हवाले से कुछ और बातें भी करते हैं जो घरों पर बैठने बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे बच्चों नन्ही मुन्नी बच्चियों आप इस हदीस पाक को हमें सुना भी सकते हैं ठीक है जी तर्जुमा याद करते हैं तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन है दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन है चले जी तर्जुमा अरबी और तर्जुमा दोनों चले अब्दुल हदी भाई क्या हुआ सुनाए अभी तो इतना अभी सबको याद करा रहे थे अभी क्या हुआ इनना मिन इनना मिन अफदलिया अय्यामिकुम यमल जुमुआति जबरदस्त तुम्हारे दिलों में सबसे तुम्हारे दिलों, दिलों में दिलों में नहीं दिलों में सबसे अफजल जुमे का दिन है सुभान अल्लाह देखिए ये भी होता है अभी सबके टीचर हुए हुए थे अचानक से जैन से बात जी इरफान भाई

दिन दिन जुम्मे का दिन है। जी तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुम्मे का दिन है।, है आप क्या सुना रहे हैं आप मजीद क्या सुना रहे हैं या तो वैसे ही आपको याद हो गया माशाल्लाह आप सुना चुके हैं अल्लाह पाक आपको बरकत आता फरमाया जी नियाल भाई यहाँ पर तो याद हो गया है और सुना भी दिया है तो अब फैसला तो आप पर आता है जहीन बच्चे का लेकिन चले जी एक बात यहाँ पर याद रखिए जुमे का दिन क्या है तमाम दिनों का अफजल सर... दिन, दिन है और सरदार भी दिन है, दिन है तमाम दिनों का तो जुमे के दिन हमें क्या करना होता है अच्छे अच्छे काम करने होते हैं बकिया दिनों में भी अच्छे अच्छे काम करने होते हैं और जुमे के दिन भी अच्छे अच्छे, अच्छे काम, काम करने, करने होते हैं और उन अच्छे अच्छे कामों को मजीद पढ़ा दें और ख़ास तौर पर जुमे की नमाज़ हुआ करती है जो ज़रा बड़े बच्चे समझदार बच्चे हैं उन्हें चाहिए जुमे के दिन गसल भी करें अच्छे धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू भी लगाएँ और जुमे की नमाज़ पढ़ने अबू के साथ बड़े भाई के साथ जाएँ और वहाँ जाकर जो है इमाम साहब जो बयान करते हैं वो भी सुनना चाहिए और मस्जिद का अदब भी करना चाहिए वहाँ जाके धमा चौकड़ी चाह नहीं, नहीं। बल्कि वहाँ पे नमाज पढ़नी है अच्छे अच्छे काम करने दुरूद पाक की कसरत करें जुमे के दिन ठीक है तो हमें जुमे के दिन का खास एहतराम करना है क्या क्या, क्या करेंगे जुमे के दिन ये सारी बातें हमने बता दी हैं कुछ अब आप बता दें ताकि फिर देखें इनके आंसर से आपको कुछ फ़ायदा होता है इनको वही बच्चा बनाने में जी इरफान भाई जुम्मे के दिन नहाना चाहिए जुम्मे के दिन नहाना चाहिए जी जुम्मे के दिन अच्छे अच्छे काम करने चाहिए अच्छे अच्छे काम मसलन जुम्मे के दिन ना मस्जिद का ख्याल रखना चाहिए जुम्मे के दिन मस्जिद का ख्याल रखें और पीर के दिन पीर के दिन भी रखे अच्छा मस्जिद में खेलते हैं चले भाई और जुम्मे के दिन नमाज पढ़ना चाहिए जुम्मे के दिन नमाज पढ़ना चाहिए और मंगल के दिन वो भी नमाज पढ़नी चाहिए जुम्मे के दिन एक खास जुम्मे की नमाज भी होती है वो उसको पढ़ना चाहिए ठीक है चलिए यह है अच्छा और अहमद भाई अहमद भाई अहमद भाई, भाई भी तो जी कोई जुम्मे के दिन क्या करना चाहिए हमें जुम्मे जुम्मे के दिन नमाज पढ़नी चाहिए जुम्मे के दिन बिल्कुल नमाज पढ़नी चाहिए अब ये तो इन्होंने बता दिया ना कोई और बात बताए मैंने तो बता दी थी इतनी सारी ये तो बताने के बाद एहसास हुआ कि इनसे पूछनी चाहिए थी जी कोई और चीज़ कुछ मेरी ही बातों में से जी भाई मस्जिद में लड़ाई नहीं करनी चाहिए जुम्मे के दिन लड़ाई नहीं करनी चाहिए मस्जिद में ठीक है जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जुम्मे के दिन दुरूद पाक की कसरत जुम्मे के दिन दुरूद पाक की कसरत करनी, करनी चाहिए, करनी चाहिए कि इसके एक्स्ट्रा अलग से भी फजाइल बयान हुए हैं ठीक है जी जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने के कोई निहाल भाई देखे जुम्मे के दिन जो दुरूद पाक की फजीलत है आप जब तक यहाँ देखे हम यहाँ मस्जिद लेते हैं जी और क्या बता रहे हैं जुम्मे के दिन के बारे में जी, जुम्मे की नमाज़ वक्त पे पढ़नी चाहिए जुम्मे की नमाज वक्त पे पढ़नी चाहिए जुम्मे की नमाज़ तो वक्त पे ही पढ़ी जाएगी जाहिर है जुम्मे की नमाज घर तो पढ़ी नहीं जाएगी वो जाकर हमें कहाँ पढ़नी होगी मस्जिद में पढ़नी होगी वो तो इमाम साहब वक्त पे पढ़ाएंगे ना और खास लाए ना जैसे मिसवाक करें भाई जी फजीलत फजीलत अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलम का फरमान है जो मुझ पर रोजे जुमा यानी जुमा के दिन शरीफ पड़ेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफात करूँगा माशा चले भाई, अब फैसला पूरा पूरा भाई पे आज आज किसे आप बच्चा बनाते हैं जी आज के मेरा दीन के हमारे हमारे मेरा बच्चे आपका फरमाए माशा देखिए गिफ्ट लेते हुए उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना इससे हमें भी खुशी हुई तो जब किसी को इनाम मिले कोई चीज मिले तो हमें खुशी का ज़हार करना चाहिए।, चाहिए जी तो नियाल भाई तस्वीरों की तरफ चलेंगे लेकर प्यारदीन हदीसूर पाक सल्लाया सलू अड़ैया सल्ला अच्छा इसमें वाऊ के बाद आएगा सल्लू अड़िया तर्जुमा नबी सल्लाशाद फरमाया तुम मुझ पर दरूज शरीर पढ़ो अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा माशा नी टाची से माशा पिक्चर

رضا ربی فرید الوالدی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے ایک اور والد راضی تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا الحجر الاسودو من الجنت ترجمہ ہے حجر اسود جنت سے آیا ہے حجر اسود جنت سے آیا ہے ما شاء اللہ کنزہ تالیاں ہیں چکوال سے ما شاء اللہ حدیث پاک قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

तो अब जिनकी पोजीशन नहीं या उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी पोजीशन भी आ जाए ठीक है जी थी, ने भी लिख कर भेजनी है माशाल्लाह ज़ौक़ और शौक से निहाल भाई बच्चे और बच्चियाँ लिख कर भेज रहे हैं अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए इनको दिनों दुनिया की भलाइया अता फरमाए और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दी मेरा प्यारा दी कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे पास हसन भाई कैसे हैं हसन भाई रब्बिल आलमीन आप कैसे अल्लाह का करम अला कुल हाल आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं हम साय में तुम्हारे हैं साय में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी हमारी है, है। क्या बात है अल्लाह पाक अपने हबीब करीमिल तो सलाम की बरकत अता फ़रमाए आप तो के कदमों में ईमान आफियत के मौत अता फ़रमाए और जन्नतलबकी में मदफ़न अता फ़रमाए और आज हमने ये भी सवाल किया हुआ ना कि दुनिया का सबसे अफजल कब्रस्तान कौन सा है और इसका जवाब क्या है जन्नतलबकीी ठीक है जी चले जी कलाम शरा

me try. Allah, क्या बात है अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और फरमाए जी तो अब कुछ कॉल्स की तरफ चलेंगे निहाल भाई कॉल्स लेंगे कॉल्स मेरा नाम मोहम्मद फलक इस्लाम है और मैं भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ वकार भाई आपका शो बहुत अच्छा है और आपके सवाल तो का, का जवाब है बकी जी सवाल का जवाब है ये मेरा अकेले का शो है सामान वगैरह लेके चला जाऊंग घर पे हम सबका शो है या शो बल्कि कहें क्या कहें प्रोग्राम है ठीक है ठीके? शो तो अजीब सा थोड़ा हो जाता है ये हम सबका प्यारा सा प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम है किसका प्रोग्राम है आप आपका।, आपका अगर आप ये कहें कि हमारा ये प्यारा प्रोग्राम हमें प्यारा लगता है तो और अच्छी बात होगी ठीक है जी तो इसको ऑन करेंगे आपका अपना प्रोग्राम है जो चीज़ अपनी हो जाती है फिर वो आगे भी पैगाम पहुँचाते हैं ठीक है जी हमारा प्रोग्राम है तो ये आपका प्रोग्राम है जी

मदीना उनवरा में हमने तो पूछा था कब्रिस्तान कौन सा अफजल है अच्छा ये है ना कब्रिस्तान कौन सा अफजल है जो मदीना है उनवरा में है यानी बकी सबसे अफजल है ठीक है जी तो ये मेरे सवाल का जवाब है पे, आप अपना अलग कर ले सवाल तो कुछ आपके सवाल का जवाब आएगा कुछ मेरे सवाल के जवाब आएंगे ठीक है जी नेक्स्ट कॉल मेरा नाम मोहम्मद रिलाड़ है मैं दाव दाव मदीना के में पढ़ता हूँ मैं आज आपको एक हदीस सुनाऊंगा अलैहि वसल्लम नसीहतु दीन में 개깔가 난해. 온가마그다 우초 망그다. 나 나이오네.

मेरा नाम मैं कहूटा से बात कर रहा हूँ आज मैं, मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा आपके सवाल का जवाब है जगतुल्बकी पैदल आपका जवाब दुरुस्त है और ये कहाँ से थी कहूटा से कौन से कोई और कोयटा था चले जिस इलाके से भी है अल्लाह पाक आपको बरकत फरमाए सलामती अता फरमाए माशाल्लाह जी एक कॉल और शामिल करेंगे मेरे प्यार आज साल है मैं दारुल मदीना की क्लास केजी में पढ़ती हूँ आज मैं आपको आज के सवाल का जवाब दूंगी आज के सवाल का जवाब ये दुनिया का सबसे अफजल अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती माशाल्लाह क्या बात है ये थी फातिमा बतूल कराची से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा नाम है और बड़ा प्यारा अंदाज़ है आपका कॉल करने का और उम्र सिर्फ़ फाइव इयर्स माशाल्लाह इतनी कम एज में इतने अच्छे अंदाज से आपने बात भी की लापाग आपको सलामती बरकत अता फ़रमाए नहीं क्यों भरी तवील तो ज़िंदगी अता फ़रमाए और अब चलेंगे हम निहाल भाई के सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तरा सहाबा मेरा प्यारा दी मेरा प्यार दी मेरे बच्चों हमारा सेगमेंट है सहाबा और इस सेगमेंट में हम सहाबी की करामत सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे साहबी होते हैं जिनकी बहुत प्यारी हम करामत सुनते हैं और आज हम जिनकी करामत सुनेंगे उनका नाम है हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाहन क्या नाम हजरत अमीर मुआविया रदिया मेरे बच्चों आज हम करामत सुनेंगे हजरत अमीर मुआविया रदिया की करामत सुना रहे हैं आप

वालिद हैं वो भी साहबी हैं लिहाजा वो भी जन्नती, जन्नती है। हैं और देखिये कितने अजीम साहबी हैं कि इनसे करामत का भी सदूर होता था साहबी तो सारे ही अजीम हैं साहबी, सारे ही अजीम है सारे बहुत उनका बड़ा मकाम है अब देखिए इनकी करामत भी आज सुनेंगे हम अच्छा करामत किसी को पता क्या होती है निहाल भाई आपके स्टूडेंट्स का इम्तहान पहले अब आप करामत तो सुना रहे हैं ये करामत है क्या हो सकता है ये तो यही सोच रहे हो जी भाई करामत क्या होती है इरफान भाई वॉट इज़ करामत वट इज द डेफिनेशन ऑफ करामत जी अच्छा क्या आपके समझ में क्या आता है मतलब जब हम बोलते हैं करामत सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या सुनेंगे क्या तो होगा कुछ अपने अल्फाज में आप कुछ भी डिफाइन करना चाहें अहमद भाई जी करामत क्या होती है अब्दुल्लाहद अब्दुल्लाहद सही है <laughs> जी क्या होती है हसन भाई हसन भाई से पूछ लेते चले भाई हसन भाई बता रहे हैं फिर आपने तवज्जो से सुननी है ठीक है फिर उसको याद रखना है कि करामत क्या है जी ऐसी चीज जाहिर होना जो आदत नामुमकिन हो ठीक है जी नबी से जाहिर होगी तो मौजिद वली से जाहिर हो तो करामत जी क्या बताया उन्होंने ऐसा काम जो आदतन पॉसिबल ना हो या यूं कह लीजिए नॉर्मली जो पॉसिबल ना हो, ना हो पॉसिबल ना हो मुमकिन ना, ना हो।, हो या यूं कह लीजिए हो ना सकता हो जब वो किसी वली से होगा तो उसे हम क्या कहेंगे करामत जैसे हवा में उड़ना या कोई उड़ सकता है कोई नहीं।, तो नहीं उड़ सकता ना नॉर्मली ऐसा नहीं होता जहाज़ में बैठ के उड़ना और है बग़ैर जहाज़ के बगैर हेलीकॉप्टर के बग़ैर कोई ऐसी चीज़ लगाए किसी गैजेट के बग़ैर उड़ना मुमकिन नहीं है अहमद भाई उड़ लेंगे अहमद भाई भी नहीं उड़ सकेंगे ना हम नहीं उड़ सकते लेकिन अल्लाह के वली अगर हवा में फ्लाई करें तो वो क्या होगी उनकी करामत तो ऐसा काम जो नॉर्मली हो ही ना सकता अगर अल्लाह के वली कर ले तो उसको कहते हैं करामत और आज हज़रत अमीर मुआविया की करामत सुना रहे हैं अमीर मुआविया रदी अल्लाह एक सहाबिया है कौन है, रसूल। रसूल है और कातब वही हैं कातब वही हैं नबी पाक पर नाजिल होने वाली वही को लिखते थे नाजिल होने वाली वही को लिखते, लिखते थे कौन लिखते थे अमीर मुआविया रदिया कातब वही है यानी वही को लिखा करते थे आइये आप रदी अल्लाह की करामत सुनते हैं एक मरतबा मुल्क शाम में बारिश नहीं हो रही थी आप नमाज इस तस्का के लिए मैदान में निकले नमाज इस तस्का के लिए मैदान में निकले प्यारे बच्चों जब बारिश ना हो और खाने पीने की किल्लत हो जाए तो ये नमाज पढ़ी जाती है जिसका नाम नमाज इसका है नमाज इस नमाज इस तस्का पढ़ी जाती है आ, प्यारे बच्चो और नाजीन आप रदीन मंबर पर बैठ गए मम्बर पर बैठ गए और आपने हज़रत इब इब्न असवद जुराशी रदी अल्लाह के वसीले से दुआ मांगी किनके वसीले से हजरत इबनुल असवद जुराशी रदी अल्लाह वर्णों के वसीले से दुआ, दुआ, दुआ मांगी कुछ ही देर में एक बादल आया और बहुत तेज बारिश होने लगी यहाँ तक के मुल्क शाम की सरजमीन सर, सर सब्ज हो गई दुआ दुआ माशा जबरदस्त करामत हमने सुनी।, बारिश नहीं हो रही थी और हजरत अबीन माविया रदी अल्लाह तुमने क्या किया दुआ की और एक नमाज भी अदा जी, नमाज की जी वो वसीले से दुआ की ठीक है उनका नाम भी बताया थोड़ा सा मुश्किल सा है 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 नाम नाम क्या साइन जोर जुराशी इनके वसीले से दुआ किया अल्लाह इनका वास्ता तो पर बारिश बरसा दे और इनकी दुआ करनी थी कि अचानक बादल आते और छमा छम बारिश शुरू हो जाती है तो क्या बात है हमारे साहब इक्राम की और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री मेरा प्यारा दी

नहीं आता तो ये हिस्ट्री किस लिए सुनते है? हम भूलने के लिए याद रखने के लिए रखने। याद रखने, याद रखने। तो याद तो रखें कुछ तो बताया करें और बड़ी अहम बात हम सुन रहे थे हमारे अहमद भाई तो आज ही आए अब पता नहीं इससे पहले प्रोग्राम देखा है कभी आपने हमारा नहीं देखा बस खुद आना तो आज देखेंगे घर जाके पैमाएँ तो भाई ये देखना है प्रोग्राम और घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए भी ये पैगाम है आज हम सुनेंगे बड़ी ज़बरदस्त बात अब इससे पहले क्या बातें थी हो सकता है बाज़ बच्चों ने सुनी हो बाद ने नहीं तो जिन्होंने नहीं सुनी वो किड्स मदनी चैनल के नाम से यूट्यूब पर चैनल हमारा मौजूद है वहाँ जाकर हमारी पिछली एपिसोड्स देख, देख सकते तो आपको वो पूरी कंटिन्यूसली सारी बातें पता चलेंगी कि किस तरीके से प्यारे अकल सलासलम की विलादत फिर एलान नपूत और सारे जो मामला होते चले गए तो अब हमारी बात पहुंच चुकी थी इरफान भाई पता ही कहाँ गई थी देखिए हमने बताया था ना मक्के में हज़ू ने ऐलान नबूत किया था ना मक्का जो शहर है वहाँ पर आपने एलान नबूत किया लेकिन उसके बाद हमें मालूम है कि फिर जी अब्दुल हादी भाई के कुछ आया है जहन में क्या आया भाई उन्होंने ना मक्के में दावत दी थी इस्लाम की मक्के में तो दी थी लेकिन हम ये सुन रहे थे कि मदीने में इस्लाम कैसे पहुँचा मदीना तो दूसरा एक शहर है ना मक्के से दूर एक शहर है मदीना मुना अब वहाँ पर फिर जब गैर मुस्लिमों ने बड़ा मुसलमानों को तंग किया तो आप सलाम ने हिजरत का भी फरमाया था ना कि कहाँ चले जाओ मदीने फिर उसके बाद प्यारे अकल आकलम ख़ुद भी मदीने चले गए थे तो मदीने में भी पहले गैर मुस्लिम ही हुआ करते थे तो वहाँ मुसलमान कैसे आ गए हैं कि जाके वहाँ पर फिर स्टे करना आसान भी हो गया तो इसी बारे में हम सुन रहे थे हुआ क्या था कि वहाँ पर दो कबीले होते थे ओस और खजरज और फिर वहाँ पर कुछ यहूदी भी हुआ करते थे अहमद भाई कौन होते थे यहूदी एक महीने अहमद भाई से पूछते थे कौन होते थे जी जोर से बता दें देखिए अगर आप यहाँ बैठ के उधर उधर देखते रहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकेगा तो आप हमारे प्रोग्राम में आए तो हमारी बातें सुन लेना ठीक है जी आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है जी तो वहां पर औस ओस और खजरज ये दो क्या थे ट्राइब्स थे कबीले थे और वहाँ पर कुछ यहूदी भी अहले किताब वहाँ पर रहा करते थे अब यहूदियों के पास चूँकि वो किताब मौजूद थी तो लेकिन वो उनकी अहले किताब ये यकीन है मतलब जो किताब है मूसा सलाम पर नाजिल हुई थी उसको मानने का दावा रखते करके उसके अंदर चेंजिंग्स उन्होंने कर दी तो बहर उन्होंने ये पता था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं तो जो वहाँ की ये ओसो खजरज के लोग थे ना ये मुश्रक थे ये गैर मुस्लिम थे इनको ये कहते थे कि हम जो आखिरी नबी आएंगे ना हम उनको मानेंगे ईमान लाएंगे और उनके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे तुम्हें मारेंगे तो इन लोगों को ये था कि जनाब ये यहूदी बताते हैं कि भाई आखिरी नबी आने वाले हैं फिर इनमें से कुछ लोग जो है वो हज़ू सलातम के पास वहाँ आए थे मीना के अंदर और वहाँ पर इन उन्होंने हज़ू सलात वाम को देखा आपने दावत इन्हें पहुँचाई तो इन्हें मालूम हो गया कि यही वो आखिरी नबी हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं तो उन्होंने कहा इससे पहले कि यहूदी इनको माने ईमान लाए हम इन पर ईमान ले आते हम इन पर ईमान लेकर ले आ, आ जाते हैं। तो वो मुसलमान हो गए फिर उन्होंने जाकर और मदीने में लोगों को ये पैगाम पहुँचाया दावत दीन दी इस्लाम लाने की तो फिर वो हज़ुर वसलाम के पास आए और आकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया इसी हवाले से हम सुन रहे थे कि अलान नबूत के बारहवें साल हज के मौके पर मदीन शरीफ के बारह लोग मीना के मकाम पर छुप कर इस्लाम ले आए मीना का एक मकाम है ना ये शायद हज का जब सुनते होंगे तो हम सुनते हैं अरफात मीना ठीक है तो यहाँ पर कितने लोगों ने बारह लोगों ने छुप कर इस्लाम कबूल किया और से बैत हो गए इस बैत का नाम बैत उकबाए है और साथ ही इन लोगों ने हज़ूर सलाम से यह दरख्वास्त भी की कि इस्लामी तलीमत के लिए कोई टीचर भी हमारे साथ भेज दें ठीक है ख़ुद मुसलमान हो गए और अब इन्होंने क्या दरख्वास्त की कि हम दायरे इस्लाम सीखना चाहते हैं इस्लाम की जो दीगर अहकाम हैं नमाज़ कैसे पढ़नी और भी जो दीगर मामला हैं तो उनको सिखाने के लिए क्या करते हैं हमारे साथ टीचर भेज दें जो इस्लाम को जानते हों चुनाचा हज़ूर सलात वसलाम ने हज़रत मुफ बिन उमैर रदी अल्लाह तन को उन लोगों के साथ मदीन शरीफ़ भेज दिया कौन गए हज़रत मुफ्फ़िन उमेर रदी अल्लाह तुम देखे यहाँ बहुत सारी बातें अब खुद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और साथ में उन्हें क्या लगा नहीं कि अब इस्लाम तो हमने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन इस्लाम की जो चीज़ें इस्लाम में करना क्या होता है कि हमें पता होनी चाहिए तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा हमें कोई टीचर, टीचर दे, दे दें जो हमें इस्लाम सिखाए जो हम हमारा दीन सिखाएं उनको कितना शौक था आज यहाँ हम बोलते रहते हैं कि भाई ये मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम आता है और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं क्यों आते हैं हमें हमारा दीन सिखाने के लिए लेकिन बात जो है वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हमें दीन को सीखना चाहिए तो उन्होंने सलाम से रिक्वेस्ट की तो अब टीचर बनाकर किने भेज दिया गया हजरत मुस्फ बिन और मैं ये बड़े जबरदस्त साहबी हैं तो ये चले गए कहाँ मदीने अच्छा मदीने पहुंचे अब देखिए इस्लाम कैसे मदीने में पहुंच रहा है वो मदीने में हजरत असद बिन जुरारा अल्लाह के मकान पर ठहरे और अनसार के एक एक घर में जा जाकर इस्लाम, जा इस्लाम की दावत देने दावत लगे व मदीने में घर घर जाकर इस्लाम की दावत दावत दे रहे हैं चले आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं इन बड़े हो जाएंगे हमारे यहाँ क्या सिलसिला होता है निकी की दावत का सिलसिला होता है जिसमें घर घर जाकर नेकी की दावत, दावत दी जाती है तो आप ये किस तरीके से घर घर जाकर इस्लाम की दावत दे रहे हैं नेकी की दावत दे रहे हैं और इनकी कोशिशों से रोजाना एक दो नए आदमी इस्लाम कबूल कर लेते इनकी कोशिशों से एक रोज आना क्या हो रहा है नए लोग मुसलमान होते रहे। जा रहे यहाँ तक क्या आहिस्ता आहिस्ता मदीने से कुबा तक घर घर में इस्लाम फैल गया अल्लाह अच्छा कबीला औस के सरदार हजरत साद बिन तआला बहुत ही बहादुर शख्स थे हमने दो कबीले सुने थे ना एक कबीला औस और दूसरा हजरत आप ही बता रहे हैं यहाँ से आवाज नहीं आ रही दो कबीलों के नाम सुने थे औस और ये कहाँ रहते थे मदीने में।, मदीने में तो अब ये इनके ना सरदार होते ना कबीलों के सरदार होते थे लीडर बड़े तो ये कबीला औस के जो सरदार थे उनका नाम था अज़त साद बिन मुआज मआजरदील्ल्ला तुम ये पहले मुसलमान नहीं थे फिर ज़ाहिर है मुसलमान हुए तो वही हम सुन रहे हैं क्या हुआ बड़े बहादुर शख्स थे हज़रत बिन अल्लाह तैन ने जब उनके सामने जाकर इस्लाम की दावत पेश की तो पहले तो इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया ना मगर जब हजरत बिन मुस्बिन अल्लाह वालु ने उन्हें कुरान पढ़ कर सुनाया अच्छा इसका पूरा तफसली वाक़ा मिलता है कि इन्होंने थोड़ा अंदाज भी इख्तियार किया ना कि हम इस्लाम नहीं मान रहे थे लेकिन हज़रत मुब्बिन उमैर ने अपनी कोशिश छोड़ी नहीं बल्कि उनकी तरगीब देते रहे फिर ने कुराने पाक पढ़कर सुनाया और जब इन्होंने कुराने पाक कर, पढ़ कर सुनाया तो एक दिन उनक, एकदम उनका दिल नरम हो गया और कलमा अभी बताया था साहबी तो बन गए ना आप बने से पहले ये थे क्या कबीले के सरदार थे कबीले के सरदार थे अच्छा उस कबीले का नाम क्या था जिसके सरदार थे औस क्या नाम था आस, हाँ कबीला औस ये उसके सरदार थे तो ये क्या हो गए मुसलमान और जब ये मुसलमान हो गए तो इनके मुसलमान होते ही कबीले के बकिया लोग हर साहब ये नबी क्या बात है, यन्दी। 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 बात है? वो साहबी हजरत मुसबिन है रदी अल्लाह तुम मक्के से मदीने आते हैं और किस तरह घर घर जाकर इस्लाम पहुँचाते हैं और इनकी कोशिशों से किस तरह लोग मुसलमान होते चले जाते हैं तो इस तरह मक्के से मदीने में इस्लाम फैलता चला गया जी और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी। अपने होगी हमारी अगली में मजीद के वाकई के साथ अपना रखिए हमें दुआओं में याद रखिए वाली देखते रहिए